रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट CDC ने रिकॉर्ड किया है, अगर आप एक अननॉटेड सर्जिकल मास्क यूज करते हैं तो आपके जो कफ पार्टिकल्स हैं वो 56.1% तक ब्लॉक होते हैं। और अगर आप एक क्लॉथ मास्क यूज करते हैं तो इससे आपके कफ पार्टिकल्स 51.4% तक ब्लॉक होते हैं। सेम सर्जिकल मास्क को अगर आप नॉट कर और टक कर पहनेंगे तो आपके जो कफ पार्टिकल हैं वो 77% तक ब्लॉक हो जाएंगे। CDC ने ये भी रिकॉर्ड किया है यूज ऑफ डबल मास्किंग। अ क्लोथ मास्क ओवर अ नॉटेड सर्जिकल मास्क रिड्यूसेस द एक्सपोजर टू कोरोना वायरस बाय 95% एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस अप टू 85%। देयर इज नो नीड ऑफ डबल मास्किंग अगर आप एक जेन्युइन N95 मास्क यूज करते हैं। कोरोना के इस दौर में सबसे ज्यादा जो चीज हमें सुनने को मिल रही है वो है प्लाज्मा डोनेशन। हर कोई डॉक्टर, चिकित्सक अधिकारी या फिर अन्य सामान्य लोग भी यह बोल रहे हैं कि जाइए प्लाज्मा डोनेट कीजिए। क्या है ये प्लाज्मा, क्यों जरूरी है प्लाज्मा का डोनेशन? प्लाज्मा को जानने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है रक्त को। रक्त 4 चीजों से मिलकर बनता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। रक्त का 55% हिस्सा प्लाज्मा द्वारा बना होता है। प्लाज्मा क्यों जरूरी होता है? प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और हमारे को किसी भी संक्रमण के खतरे से बचाने में कारगर सिद्ध होती हैं। तो लोग क्यों प्लाज्मा नहीं डोनेट करना चाहते हैं? प्लाज्मा न डोनेट करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मिथ्याएं जिन्हें लोग सच मान बैठे हैं, जैसे कि अगर हम प्लाज्मा डोनेट कर देंगे तो हमारी एंटीबॉडीज कम हो जाएंगी जिसके कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। परंतु यह सत्य नहीं है। हमारे शरीर में भी केवल 4 महीने तक ही वो एंटीबॉडीज रहेंगी और हमें संक्रमण से बचाएंगी। तो ऐसे में अगर आप वह एंटीबॉडीज किसी को दे भी देंगे तो इससे आपको संक्रमण का कोई खतरा नहीं होगा, परंतु जो संक्रमित व्यक्ति है जिसकी जान को नुकसान होने का खतरा प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और शायद उसके संक्रमण से होने वाली जो भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं वो ना हो। आज हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोविड से पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करने आगे आए हैं। वो लोग जिन्हें कोविड से संक्रमित हुए 14 दिन पूरे हो चुके हों और उनमें कोरोना के कोई लक्षण ना हो, वो 14 दिन के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। या फिर वो लोग जो कोविड से संक्रमित भी हों और उनमें कोरोना के लक्षण भी हों, यानी कि उनमें कोरोना के सिम्टम्स भी हों, वो भी ज़रूर अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स जाने के 14 दिन बाद। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेट बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है, यदि आप वैक्सीनेटेड हैं लेकिन आपको वैक्सीनेशन हुए 28 दिन पूरे नहीं हुए हैं तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते, या फिर आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी काउंट नॉर्मल रेंज से कम है तो भी आप अपना प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। कोरोना से बचने के लिए इम्पोर्टेंट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि अभी जाकर वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के लिए आप लोगों को रजिस्टर करना होगा कोविन या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब वैक्सीन इम्पोर्टेंट क्यों है? वैक्सीन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वैक्सीन आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट अप करते हैं। वैक्सीन लगाने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें सबसे पहली चीज है 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद। न केवल नींद, आपको ध्यान रखना है अपने हाइड्रेशन पर, पानी और सोने के साथ साथ अपने खाने पर भी ध्यान रखिए। जिंक के पदार्थों का सेवन करिए, जैसे अंडा, कद्दू या फ्लैक्स सीड। सबसे जरूरी बात, प्लेसिबो इफेक्ट।
वैक्सीन 100% सुरक्षित है, इस पर भरोसा रखिए और वैक्सीन जरूर लगाइए। ये लड़ाई पूरे देश की है, जहां फौजी आप और मैं हम सब हैं और मकसद सिर्फ एक है, वो है जीत।